एनटी नीट ने पेपर लीक मामले को लेकर के अपने प्रेस नोट में क्या कहा? एनटीए ने दो बार प्रेस नोट डाले हैं, एक 5 मई को था और एक 6 मई को। तो इस प्रेस नोट में क्या कहा है एनटीए ने, वो साफ साफ उन्होंने स्पष्ट लिखा है। प्रेस रिलीज रिगार्डिंग नीट यूजी 2024 पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसमें क्या लिखा है, दिस इज रिगार्डिंग द पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 5 मई 2024 बियरिंग ए परसेप्शन इज बीइंग क्रिएटेड दैट द क्वेश्चन पेपर गॉट लीक्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एन टी ए इन्फॉर्म द फॉलोइंग टू कैंडिडेट्स देयर पेरेंट टीचर एंड ऑल कंसर्न्ड। फिर पहले पॉइंट में क्या लिखा है, नीट यू जी 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड सक्सेसफुल्ली बाई द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए अक्रॉस 4,750 सेंटर्स इन 571 सिटीज इंक्लूडिंग 14 सिटीज अवार्ड ऑन 5 मई 2024। दूसरे पॉइंट में, इट हैज़ बीन एसरटेंड फ्रॉम एन टी ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट द सोशल मीडिया पोस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पेपर लीक आर कंप्लीटली बेसलेस एंड विदाउट एनी ग्राउंड टू पुट रूमर टू रेस्ट। इट इज आल्सो स्टेटेड दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर फर्दर। इट इज़ आल्सो टू बी नोटेड दैट आफ्टर द गेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर क्लोज्ड, नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज परमिटेड असेज इनसाइड द हॉल्स विच आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, एज मेंशनड इन यस्टरडेज एन टी ए प्रेस रिलीज दैट देयर वाज वन इंसिडेंट एट ए सेंटर इन सवाई माधोपुर राजस्थान वेयर सम स्टूडेंट फोर्सिबली टू अवे। द क्वेश्चन पेपर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ए पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज बीइंग लिंक्ड टू एलिग्ड इंसिडेंट ऑफ पेपर लीक्ड विच इज मिस्चीवस एंड प्रीपोस्टरस एज मेंशनड इन पारा टू। देयर इज नो वे एनी एक्सटर्नल पर्सन या एजेंसी कैन एसे द सेंटर्स वंस द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल अदर फोटोग्राफ्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया हैव नो रिलेशन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विच हैज बीन एडमिनिस्टर्ड। पांचवे पॉइंट में, हैविंग मेंशनड द अबोव देयर हैव बीन केसेज ऑफ मेल प्रैक्टिस एंड इम्परसोनेशन वेयर स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन ऑन इम्परसोनेटर्स या कैंडिडेट्स। छठे पॉइंट में, इन एडिशन टू द अबोव एन टी ए आल्सो
conducts post exam that analysis to detect cases of unfair means UFM action on UFM cases is taken as per extant rule which includes cancellation of candidature and deferment from further examination. सातवां पॉइंट द नीट यूजी 2024 रिकॉर्ड हाई रजिस्ट्रेशन दिस ईयर विथ ओवर 24 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग द हाईएस्ट एवर विथ ओवर 10 लाख मेल स्टूडेंट्स एंड ओवर 13 लाख फीमेल्स स्टूडेंट दिस इंक्रीज वाज फैसिलिटेड बाय ऑप्शन फोर सेवरल स्मॉलर cities as centers especially in the northeast apart from Pondicherry, Jammu and Kashmir and other states. Fir despite the challenge the NEET UG 2024 operation involve more than 600 centers coordinators at cities leaves 500 प्लस सेंटर्स सुप्रिंटेंडेंट एंड देयर स्टाफ पैन इंडिया विथ ओवर 4,800 स्कूल्स रोप्ड इन फॉर द प्रोसेस इन लाइट ऑफ द अबोव कैंडिडेट्स देयर पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पे हीड टू सच rumors and consultate on furthering forthcoming examination. तो ये था NTA का नोटिस. तो NTA अपने नोटिस में साफ साफ कह रहा है कि नीट की एग्ज़ाम पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है, किसी प्रकार की कोई पेपर लीक जैसी समस्या नहीं आई है. और ये जो समस्या चल रही है सोशल मीडिया पर, ये फेंक है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है. जब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक नीट को लीक नहीं माना जाएगा. यह NTA की तरफ से आया है और जो पेपर आउट हुआ है वो सवाई माधोपुर से माना गया है. तो ये दूसरा प्रेस नोट है NTA की तरफ से. अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसके बाद हम बता दें कि जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो छाप रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और 60 करोड़ रुपए में ख़रीदा है और 40 लाख रुपए में उनको बेचा गया है. तो ये था नीट का NTA का प्रेस नोटिस.